हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर लुकिंग अराउंड पीरियड EBS, जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 लुकिंग अराउंड चैप्टर 6 रियाज जने एंड पार्ट 3। कौन सा पार्ट पढ़ना है स्टूडेंट्स? 3। इसका पहले हम पढ़ चुके हैं कि रिया और जिया दे बोथ वेर गुड फ्रेंड्स एंड दे वेर प्लान टू गो टू बापी एंड दमन। बाकी उनका फ्रेंड जिया की तबीयत खराब हो गई, फिर वो लोग बाय रिक्शा रिया जाकर स्टेशन गांधीधाम स्टेशन तक पहुँचे, फिर वहाँ से ट्रेन में चढ़ गए थे। रिया और उनका मम्मी को लोअर सीट मिली थी। इस तरह तक का हमने पढ़ाई किया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 43। आफ्टर लुक स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक और बुक को देखिए। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट्स टू सी इफ वी वेयर इन आवर प्रॉपर सीट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ने ट्रेन में सफ़र किया है? स्टूडेंट्स, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक पर्सन जो कैप होगी, ब्लैक कलर का कोट होगा, पैंट होगा, टाई पहने होंगे और सब आदमी को वो अपने टिकट टिकट करके पूछते हैं, नेम चेक करते हैं, आप सही हो या गलत आदमी हो आधार कार्ड देखते हैं, प्लस आपकी प्रॉपर सीट में बैठे हो या नहीं बैठे हो वो चीज़ का चेकिंग करते हैं। TT ने टिकट, ट्रेन टिकट कलेक्टर। ओके, ओ स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम, जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम, कुछ समय के बाद जो टिकट चेकर है वो आए एंड चेक्ड आवर टिकट्स, और वो आकर हमारा टिकट को चेकिंग किए थे। टू सी, कि वो देखने के लिए, इफ़ वी वेयर, कि हम अपने सही जगह पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। अच्छा, व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन द आंसर्स। नंबर 1, पैसेंजर्स आर, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिया के फादर क्यों बोले कि ट्रेन में जो है आराम से चढ़ने के लिए। पैसेंजर्स आर गेटिंग ऑफ पुशिंग ईच अदर सो फादर एडवाइस them to board 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 the train quietly। फादर ने क्यों बोला था कि ट्रेन में जो है आराम से चढ़ने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स चढ़ने वाले ज़्यादा चढ़ रहे थे, उतरने वाले भी उतर रहे थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, तो आपने को लग जाएगा। और दूसरी बड़ी पॉइंट क्या है, वो जो ट्रेन थी 10 से 15 मिनट स्टॉपेज थी वहाँ पे, इसके लिए फादर ने एडवाइस किया, पैसेंजर्स आर गेटिंग ऑफ एंड पुशिंग ईच अदर,
उतर रहे थे और एक दूसरे से धक्का मुक्के कर रहे थे। सो फादर एडवाइस द ट्रेन, फादर उन हमको इसके लिए बोला कि ट्रेन में जो है आराम से चढ़ने के लिए। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी, आप एक जो आदमी है वो टिकट चेकर टीटी है बोल के कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि कैसे उनको पहचानेंगे। नंबर टू, ए पर्सन PERSON, ए पर्सन वो वेयर्स, ए पर्सन हु वेयर्स ए ब्लैक कोट, काला कलर की जो कोट पहने हुए रहते हैं, व्हाइट ट्राउजर्स, व्हाइट TROUSERS, व्हाइट ट्राउजर्स पहनते हैं और ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं, एंड ए स्पेशल कैप, ए स्पेशल कैप जो एक स्पेशल टोपी पहनते हैं, एंड ही आस्क और वो सबको पूछते हैं, आस्क एवरी पैसेंजर PASENGERS, एवरी पैसेंजर्स फॉर टिकट। एक व्यक्ति, एक पर्सन, ए पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, हु वेयर्स ए ब्लैक कोट, जो कि काला कलर का कोट पहनते हैं, वाइट ट्राउजर्स पहनते हैं और एक स्पेशल टोपी उनके सिर पे होगी, और जो हर कोई आदमी को पूछता है कि टिकट के बारे में, उसको हम टिकट चेकर कहेंगे। विच डिटेल्स टिकट चेकर चेकड इन द टिकट आस्क्ड योर टीचर, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, जो टिकट चेकर है वो डेट ऑफ जर्नी देखते हैं कि जो तारीख में आपने ट्रेन में बैठे हैं वो तारीख सही है या नहीं है, बोर्डिंग स्टेशन यानी कि आप अहमदाबाद से टिकट किए हैं और सूरत से चढ़ रहे हैं तो नहीं हो सकता, आपको बोर्डिंग सूरत ही करना पड़ेगा, ओके। और एज, मानो किसका एज 32 है तो आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपकी एज 32 ही होना चाहिए, और जो नाम आधार कार्ड में है उसी नाम आपके, आप जब रिजर्वेशन कराते हैं जब फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें वही नाम होना चाहिए, ये सब डिटेल्स वो चेक करते हैं। आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन, सो स्टूडेंट्स रिया के जर्नी स्टार्ट हो गए थे, बट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन, वो जो ट्रेन है एक स्टेशन पे रुका। आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो, और मैं खिड़की के पास बैठी थी तो मैंने खिड़की विंडो से देखा। शमख्याड़ी जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन, शमख्याड़ी स्टेशन जंक्शन जो वहाँ पे लिखा था। आई आस्क माई फादर, मैंने अपने पापा को पूछा, टर्न योर पेज, वाई इज द जंक्शन हैज रिटन आफ्टर द स्टेशन, मैंने मेरे मन में डाउट हुआ तो मैंने अपने पापा को पूछा कि शमख्याड़ी तो स्टेशन है फिर जंक्शन क्यों वहाँ पर लिखा गया है। फादर एक्सप्लेन टू मी दैट, और पापा ने मेरे को ये बोला, द स्टेशन एट विच 2 or more रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन, वो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 2 or 2 से ज़्यादा अलग अलग रूट होती है, अलग अलग जगह पे जाने के लिए उसको जंक्शन कहेंगे। जो जगह एक स्टेशन से, आपके एक स्टेशन से 2 ट्रैक 3 ट्रैक निकलेगी तो आपको उस जगह को जंक्शन कहेंगे। स्ट्रेट जाएंगे तो एक आएगा, दूसरी ट्रैक में जाएंगे तो दूसरा सिटी आएगा, इस तरह से। From this station,
टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, यहाँ से पापा ने बोला कि दो रेलवे ट्रैक सेपरेट अलग अलग होती है। ऑन द ट्रैक ऑन व्हिच आवर ट्रेन इज रनिंग इज वे टू अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर। तो स्टूडेंट्स पापा ने बोला कि जो ट्रैक जो रेलवे लाइन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ से हम अगर सीधा जाते हैं हमारी ट्रैक जो है वो अहमदाबाद तक जाएगी और दूसरी ट्रैक जो यहाँ से सेपरेट हुआ है जिसके हिसाब से हम जंक्शन कहते हैं वो पालनपुर जाएगी। ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स। और स्टूडेंट्स वो जो श्याम खैरी स्टेशन था वहाँ से 2-3 मिनट के बाद ट्रेन डिपार्ट यानी कि ट्रेन चलना शुरू हो गया था। द टू ट्रैक्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर फादर शोड इट टू मी फ्रॉम द विंडो। और जहाँ से दो ट्रैक अलग अलग हुए थे वहाँ से मेरे पापा ने मेरे को बता दिया देखो बेटा यहाँ से एक रूट जो है पालनपुर को जाती है। सो स्टूडेंट्स यह टुडे स्टॉप आवर पार्ट 3। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है बुक में, आंसर्स बुक में लिख लेना है, नोटबुक में भी लिखना है और लर्न भी करना है। फिर आप नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।